नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महागठबंधन में शामिल होकर नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद फिर से नए सिरे से कैबिनेट का विस्तार हुआ है। सभी विभागों में नए नए मंत्रियों को चयन किया जा चुका है। इस बार तेजस्वी यादव सुपर सीएम के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि उनको अकेले 4 मंत्रालय का पदभार मिला है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसका मूल उद्देश्य है बिहार वासियों को शुद्ध पेयजल सुविधाएं प्रदान करना और उसका संरक्षण करना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नए मंत्री बने हैं ललित कुमार यादव। उन्होंने 16 अगस्त 2022 को अपना पद ग्रहण किया है। विभाग द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। नल जल योजना अंतर्गत हर घर नल का शुद्ध पेयजल पहुँचाना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक संचालन हो सके इसका पदभार ललित कुमार यादव को दिया गया है। ग्रामीण परिवारों के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं बेहतर तरीके से मुहैया कराए जा सके, इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी से इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बहुत सारे पंचायतों में बड़ा पानी टंकी का निर्माण किया गया है, और वहाँ नीर निर्मल जल परियोजना के अंतर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा रहा है। पीएचईडी से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो है 1800-123-1121 है। पीएचईडी के अंतर्गत जो अनुरक्षक समय पर जल का संचालन करते आ रहे हैं, बहुत सारे अनुरक्षक का कॉमेंट आया था कि पीएचईडी का जो अनुरक्षक है उनको वेतन कब मिलेगा, यानी कि उनमें से बहुत सारे अनुरक्षक हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। तो जिनको वेतन मिला है वो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए मंत्री ललित कुमार यादव द्वारा इस विषय पर कोई नई अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को ज़रूर जानकारियाँ साझा किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।